हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रदीप, मैं आपको मेरा सावधान इंडिया चैलेंज में स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए, हम बेंगलोर में हैं, बेंगलोर का व्हाइट फील्ड में। ये बहुत सारे लोग हैं और ये दुकान के पास खड़े हैं, तो चलिए उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार, आपका नाम क्या है? नाम मोहम्मद सताबुल है। ओके, आप किधर से हैं? ये हम पश्चिम बंगाल से हैं, मालदा टाउन से। ओके, तो आप आपका गाँव छोड़ के आपके घर में कौन कौन है? घर में 3 बच्चा है, 1 बीवी है। ओके, पढ़ा लिखा करना पड़ता है मजबूरी पैसे के लिए कहीं। तो इतना दूर आप बाहर क्यों आए हैं? पैसा नहीं है, मजबूरी है, कोई कंपनी में कोई काम नहीं है उधर, हम लोग का गांव का उधर मजबूर। देखिए दोस्तों, ये लोग जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और ये अपना कमाई को ज्यादा करने के लिए, अपना घर परिवार को चलाने के लिए, अपने बच्चे लोगों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए वो बाहर आए और बाहर काम कर रहे हैं। आप क्या काम कर रहे हैं भैया? काम तो इस कार्पेटिंग के कर रहे हैं। ओके, स्कॉफोल्डिंग का काम कर रहे हैं और बाहर में उससे वेस्ट बंगाल से इससे ज़्यादा पेमेंट मिलता है? पेमेंट मिलता है, मगर उधर पैसा मजदूरी कम मिलता है। मजदूरी कम है मगर काम मिलता है। हाँ, काम। ओके, काम है। ओके, धन्यवाद भैया। और एक किसी से बात करेंगे। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयराम कुमार है। ओके, आप किधर से रहने वाले हैं? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। ओके भैया, बिहार से बिलोंग करते हैं और पढ़े लिखे हैं आप? थोड़ा बहुत हूँ। ओके, बिहार इधर से बहुत दूर है, बाहर इतना दूर आप क्यों आए हैं इधर काम करने के लिए? कुछ नहीं, ऐसे ही बेंगलोर घूमने के लिए आया था। फर्स्ट बार आया हूँ मैं बेंगलोर घूमने के लिए। घूमने के लिए नहीं, काम भी कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत घूमता भी हूँ इधर। तो भैया देखिए, घूमने के लिए आए थे और थोड़ा काम भी कर लिए, और आगे आपको क्या सोच है? आगे जाके आप क्या करेंगे? आगे जाके क्या करूँगा? कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा दिन यहाँ पे काम करता हूँ, उसके बाद मैं अपना गाँव चला जाऊँगा। ओके ओके भैया, तो ये बिहार से, देखिए बिहार से इतना दूर आए हैं काम करने के लिए। आपके घर में आपका परिवार है सभी लोग? सारा परिवार है, मम्मी पापा सारा है हम लोगों को। ओके, तो देखिए वो भी हर एक बच्चा चाहता है कि अपना परिवार को कुछ, परिवार के लिए कुछ करे और कुछ आगे बढ़ सके, मगर ये भैया भी आए हैं और अपना परिवार के लिए कुछ काम करने के लिए सोच रहे हैं। थैंक यू भैया, आप कुछ बोलेंगे? सर, सर नमस्कार, आपका नाम क्या है सर? अयोध्या मंडल। ओके, आप किधर से हैं सर? बिहार से, जम्मू डिस्ट्रिक्ट। ओके, देखिए ये भैया भी बिहार से हैं और काम करने के लिए आए हैं, और उनका भी परिवार है, फैमिली है, जो कि अपना फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए अब इतना दूर क्यों आए? उधर तो काम मिल सकता था ना? काम मिलता है सर, बराबर काम नहीं मिलता उधर, को रोजगार हम लोग को नहीं है ना सर। ओके, दिक्कत ये है कि उधर काम बराबर से नहीं मिलता है, जो काम मिलना चाहिए वो काम नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए इधर आए हैं। और उधर आप कितना दिन रहना चाहते हैं इधर भैया? हम लोग सर इधर करीबन 2005 से तक काम कर रहा हूँ सर बेंगलोर में। ओके, तो अभी आप क्या, मतलब कितने दिन रहेंगे, अभी क्या सोच के रखे हैं? अभी तो सर रहना है सर, क्योंकि बाल बच्चे हैं सर, फैमिली है, पांच के बाल बच्चे हैं सर। ओके, तो अपना बाल बच्चे जो है उनको पढ़ाना लिखाना है, आगे बढ़ाना है, और उनको उनके जैसा नहीं बनना है, क्योंकि वो जो अपना जीवन में किए उनके बच्चे लोगों को उससे ज्यादा उठाना है, कुछ नौकरी करना है, कुछ अच्छा स्टेटस में रखना है। इसके लिए भैया इधर आए हैं काम करने के लिए और अपना काम को काम करके अपना परिवार का प्रतिपोषण करते हैं। थैंक यू भैया। भैया आपका नाम क्या है? बोलो, क्या नाम है आपका? मुन्ना है सर। मुन्ना कुमार मंडल। मुन्ना कुमार मंडल, आप भैया किधर से? बिहार से। बिहार से, तो आप किसके लिए आए हैं इधर? काम करने के लिए। ओके, तो उधर बिहार में काम नहीं मिलता है क्या? काम है उधर, पेमेंट नहीं मिलता है ना। ओके, पेमेंट ज्यादा नहीं मिलता है? नहीं। पेमेंट उसका और इसके अंदर में पेमेंट बहुत डिफरेंट है। हाँ। और इधर डेली काम मिलता है? डेली काम मिलता, मगर उधर डेली काम नहीं मिलता। नहीं, है नहीं, नहीं, आपका आपका एज अभी क्या है? 19 होगा। 19 साल। देखिए 19 साल का लड़का जो एक अच्छा घराना का होता है, जो एक अच्छा बड़ा मतलब रिच मैन होता है, उसका उसका जो लड़का वो क्या करता है, वो ज्यादा से ज्यादा अपना खेल कूद करता है। 19 साल में खेल कूद करता है, अपना पापा मम्मी से गाड़ी लेता है, घूमता है, लड़की पटाता है, ये सभी करता है। मगर भैया देखो, अपना 19 साल उम्र में इधर काम करने के लिए आए और परिवार के लिए, फैमिली के लिए अपना काम करते हैं, तो इनको मेरा तरफ से लाख लाख सलाम है। और ऐसा लोग जो अपना परिवार के लिए काम करते हैं वो आगे एक ना एक दिन बढ़ेंगे और आगे बढ़ के अच्छा नाम कमाएंगे और परिवार का नाम भी ऊँचा करेंगे। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया, कुछ बोलेंगे? हाँ भैया, कुछ बोलेंगे? बोलो, क्या भैया आपका नाम क्या है? बोले क्या?
तरुण सिंह है। तरुण सिंह आप किधर से? हम दार्जिलिंग से है। दार्जिलिंग से? देखो भैया दार्जिलिंग कितना दूर है, 3000 किलोमीटर से ऊपर रहेगा। 2600 किलोमीटर। 2600 किलोमीटर आपको जाने आने के लिए कितना टाइम लगता है? 50 घंटा लगता है। तो इतना 50 घंटा से आप इधर क्यों आए दार्जिलिंग छोड़ के? कमाने के लिए कि घर में माँ बाबा भाई बहन आराम से खाए। देखो ये कमाने के लिए अपना माँ बाप भाई बहन सभी को छोड़ के आए हैं, बैंगलोर से आ रहे हैं काम करने के लिए। उधर दार्जिलिंग में काम नहीं मिलता है क्या आपको? मिलता है उधर, मतलब ये सीजन में थोड़ा कम ही मिलता है कि बरसात का सीजन में, इसलिए इधर आया हुआ। तो ये बरसात का सीजन है और उसमें काम मिलता है, सैलरी भी इतना नहीं है, पेमेंट भी इतना नहीं, इसके लिए भैया काम करने के लिए इधर आए हैं। और हमको, हम भगवान को ये प्रार्थना करते हैं कि आप आगे बढ़े और अच्छा से कमाएं और अपना परिवार का नाम रोशन करें। ठीक है सर, थैंक यू भैया। और कोई बोले? अरे हम की बोलू। क्या नाम है आपका भैया? हमारा नाम है विश्वजीत है। पकड़े विश्वजीत भैया, आप किधर से हैं? बंगाल से आए हैं। बंगाल से आए हैं? तो बंगाल से इतना दूर आप क्यों आए हैं? भंडारी है। भंडारी। ओके, तो आप भंडारी का काम करते हैं, मीन्स खाना पकाने का काम करते हैं? तो उधर भी खाना पकाने का काम कर सकते हैं ना? ना, इससे ज़्यादा रेट होगा ना? देखिए भैया ये ज़्यादा रेट होगा, मतलब उधर से और इधर के अंदर में बहुत डिफरेंट है। और इधर सैलरी मतलब टाइम टू टाइम ये उनको पेमेंट मिलता है, उनको पैसा मिलता है, तो इसके लिए काम करने के लिए आए हैं। तो आप आगे जाके क्या करेंगे? क्या आपका मतलब लक्ष्य है, आगे जाके लक्ष्य आपका क्या है? आप क्या क्या करने के लिए सोच रहे हैं आगे जाके? क्या करेंगे आगे जाके, मतलब घर परिवार बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे? नहीं है, नहीं है घर परिवार नहीं है। ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू। ओके, और चैनल का नाम सावधान इंडिया प्रदीप। ओके ठीक है, और कोई बोलेगा? ठीक है, तो हम देखिए ये एक साइड में लोग रहते हैं और बाहर से कोई दार्जिलिंग